विद्युत विभाग पर दर्ज होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामला। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं सूरज कुमार। बरवाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत लंका खड़िया गांव में नदी तट के समीप 11,000 वोल्ट के झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से 3 नीलगाय की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विद्युतीकरण के दौरान विभागीय लापरवाही से 11,000 वोल्ट की तार मात्र 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण वन क्षेत्र में रहने वाले नीलगाय उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेंजर उमाशंकर सिंह के निर्देश पर वन विभाग के कर्मी और वनपाल की टीम मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पशुपालन विभाग के चिकित्सकों के द्वारा मौके पर मृत नीलगायों का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की मौजूदगी में तीनों मृत नीलगाय को दफना दिया गया। नीलगायों की मौत पर मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सिंह के द्वारा चिंता जाहिर करते हुए इस घटना में विद्युत विभाग की लापरवाही बताया गया है। साथ ही उन्होंने पूरे प्रकरण में वन विभाग को जांच कर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। उधर इस मामले में डीएफओ कुमार आशीष और छिपा दोहर पश्चिमी रेंजर उमा शंकर सिंह ने बताया कि मामले में विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मामला दर्ज किया जाएगा, जिसको लेकर रेंज के अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है।